अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विदाउट एनी चॉपर और मैशर के। हम इसको बहुत ही सिंपल मेथड से आज बनाएंगे। तो सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया है मैंने, आधा किलो है, एक पाव चने की दाल है और सिर्फ 20 से 25 मिनट मैंने इसको भिगोया था। ज्यादा देर नहीं आपने भिगोना, अदरवाइज ये कुक होते हुए नीचे लग जाएगी। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और दरमियाने साइज की एक प्याज स्लाइस की हुई है, 3 सब्ज मिर्चें हैं ऐड कर लें, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक 1.5 टीस्पून, काले मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून है, मैं पिसा हुआ शामिल करती हूँ। और फिर 3.5 कप आपने पानी शामिल करना है, मिक्स करके विसल के बाद आपने 10 से 15 मिनट देने हैं। और फिर जब गल जाए अच्छी तरह से चिकन और दाल को चेक कर लें, तो फिर हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई कर लें अच्छी तरह से। पानी ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको इसी स्पैचुला से मैश कर देना है। 5 to 10% आपने मॉइस्चर थोड़ा सा रखना है क्योंकि बोनलेस ड्राई हो जाता है। शामी कबाब की शेप रेडी कर लें। इस लेवल पे अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो अंडा जरूर शामिल कर लीजिएगा, इससे तो एक सॉफ्ट रहेगा। फिर जस्ट आप इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करें और फिर इसको फ्राई कर लें। मुझे अभी सर्व करना था इसलिए मैंने फ्रेश एग की कोटिंग अप्लाई की है और जस्ट थोड़े से ऑयल में आपने इसको फ्राई कर लेना है। जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगेंगे दोनों साइड्स को कुक होने में। सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।